चलिए नाउ यस क्वेश्चन मैम। ऑफ एक्सरसाइज 11.2 फ्रॉम एमएल अग्रवाल, ठीक है मैम, यो नंदनी मैम, चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स सच दैट टू फिफ्थ ऑफ द स्मॉलर एक्सीड्स टू नाइन्थ ऑफ द ग्रेटर बाय फोर। लो जी, दो कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स है, तो हम पहले ऑड इंटीजर को क्या मान लेते हैं? यस एक्स, ठीक है, फर्स्ट वाले को x माना, तो अगला कॉन्सिक्यूटिव क्या होगा? x प्लस, अगर पहला, अगर मेरा फर्स्ट, सपोज करो मेरा आंसर आता है 3, तो नेक्स्ट ऑड इंटीजर कौन सा होगा? 5। ऑड का मतलब क्या है? ऑड का मतलब होता है विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो हमारा अगर फर्स्ट हम इंटीजर ऑड x ले रहे हैं, तो अगला हो जाएगा x एक्स प्लस 2। 2 का कंसेप्ट समझ में आ गया? यस यस मैम। नो मैम, ये 6th वाला समझ नहीं आ रहा। बेटा देखो, फर्स्ट ऑड इंटीजर आपने एक्स लिया, सपोज करो मन में आप मानो कि आपका आंसर आ रहा है 7, तो नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा बेटा? मैम 8। ऑड प्लस 1, प्लस 1 करोगे तो वो तो 8 बन जाएगा। मैम 9। 9 होगा ना? यस, वेरी प्लस 2, प्लस 2 करेंगे। अब ये प्लस 2 वाला कांसेप्ट हमें समझना पड़ता है, क्योंकि हम सिर्फ कॉन्सिक्यूटिव वर्ड पढ़ते हैं और फटाफट से अपना आंसर लिख देते हैं, राइट? वो हमें ध्यान रखना है, कॉन्सिक्यूटिव को जब हमने अप्लाई करना है ना, तो आगे पीछे भी देखना है, राइट? आगे पीछे क्या देखना है? उसके पीछे लिखा ऑड इंटीजर, तो ऑड का मतलब क्या है? नंबर शुड बी ऑड। अब ये देखो, उन्होंने कहा है 2/5 ऑफ द स्मॉलर, मतलब 2/5 ऑफ द स्मॉलर वो 2/9 ऑफ द ग्रेटर से एक्सीड करता है बाय 4 माइनस 2। आज इस ये आज नखरे दिखा रहा है चलने के लिए, ये कहता है मैं तो नहीं चलूंगा। 2/9 ऑफ एक्स प्लस 2, ठीक है, क्या आंसर आ रहा है इनका? 4, ठीक है, गॉट इट। अब क्या हमें रैशनल नंबर है भैया? कहा था ना, घर से बाहर निकलोगे कोरोना के टाइम पे तो क्या पहनना जरूरी होता है? मास्क, ठीक है, मास्क। रैशनल नंबर डील करने हैं तो सबसे पहले क्या देंगे? मैम यहाँ पे हमने 2/9 फिर ब्रैकेट पे x प्लस 2 क्यों लिखा है? बेटा ये देखो, ऊपर क्वेश्चन में देखो, 2/9 ऑफ द ग्रेटर, जो बड़ा नंबर है उसका 2/9, ठीक है, उसका 2/9, ठीक है। अब हम एलसीएम लेंगे। मैम ये 6th में अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम आ ही रही है मैम, अच्छी तरह नहीं समझ आया। कोई बात नहीं बेटा, इसको सॉल्व कर लो, फिर दोबारा से समझा देती हूँ, ठीक है। अभी मैंने ब्रैकेट को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा इसमें? 18x माइनस, अब देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस 10 है, तो इसको ध्यान से मल्टीप्लाई करना है कि जो साइन चेंज होने हैं वो सभी साइन जो हैं वो ध्यान से रखने हैं, क्योंकि जब भी माइनस बाहर होता है ना, माइनस बहुत घपले पाता है, इस बात को बिल्कुल भूलना नहीं है। ठीक है, ये बन गया आपका 8x is equal to 180 plus 20। आ जाएगा x is equal to 200 over 8, यही होगा। तो जब आप कटिंग करोगे, 4 पे हम कटिंग कर लेते हैं, 50, राइट, एंड x हमारा आ गया 25, गॉट इट। तो अगर पहल, अरे बाप रे बाप, कितना गंदा 25 लिखा है मैंने, ये 25 है बेटा, जरा इसको समझ लेना, ठीक है।
तो अगर हमारा फर्स्ट जो एक्स था वो आ गया 25, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा बेटा? 27. अब मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से एक बार फिर से समझा रही हूँ, ध्यान से समझो. हमारे हमें पूछा क्या गया, सबसे पहले पूछा है यू हैव टू फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स. पहले हम सिर्फ इन चार वर्ड्स की तरफ ध्यान देते हैं. टू मतलब दो नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं. इंटीजर हमें समझ में आ गया, आंसर हमारा प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो उसमें घबराना नहीं है. ऑड हमें मालूम है क्या होता है, ऑड इज योर विच इज नॉट डिविजिबल बाई टू. कॉन्जिक्यूटिव हमें पता चल गया भैया एक के बाद एक. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले नंबर को मान लेते हैं विच बिकम्स योर एक्स. सो फर्स्ट ऑड इंटीजर इज इक्वल टू एक्स. तो नेक्स्ट ऑड इंटीजर क्या होगा बेटा? एक्स प्लस टू. क्योंकि अगर हम एक्स प्लस वन करते हैं तो वो इवन बन जाएगा. ठीक है, अब कंडीशन क्या है, कंडीशन समझो. टू फिफ्थ ऑफ द स्मॉलर. अब मैं एक नंबर ले रही हूँ एक्स और एक ले रही हूँ एक्स प्लस टू, तो छोटा कौन सा नंबर हुआ भाई? एक्स होगा ना, राइट? और बड़ा नंबर कौन सा होगा? एक्स प्लस टू. अब वो ये कह रहा है टू फिफ्थ ऑफ द स्मॉलर मतलब टू बाय फाइव ऑफ एक्स माइनस टू बाय नाइन ऑफ द ग्रेटर मतलब एक्स प्लस टू इज इक्वल टू फोर. मतलब जो छोटे का टू फिफ्थ है वैल्यू, जो भी वैल्यू आएगी वो बड़े के टू बाय नाइन से ज्यादा है. कितनी ज्यादा है? फोर ज्यादा है. अब समझ में आ गया? यस, कोई और डाउट है इसमें तो बताओ. आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर नाउ. यस मैम.